Hello students, so this is a very important chapter, the ashes that made tree bloom, and we will now study this chapter in a very interesting way. Okay, first we should know the moral of the lesson. The moral of the lesson is that people are known by their deeds, just as a tree is known by its leaves and fruits. यानी कि जो लोग होते हैं उनको हम उनके कामों से जानते हैं. जैसे हम पेड़ को उसकी पत्तियों से, फलों से जानते हैं. हम कहते हैं आम का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, क्योंकि हम जानते हैं ना इसको. तो ऐसे ही हम अपने कर्मों से जाने जाते हैं. पीपल एंड एनिमल्स विल बी ऑल विल बी काइंड टू अस इफ वी आर काइंड टू देम. अगर हम लोगों से और जानवरों के प्रति दयालु हैं तो वो सब भी हमारे प्रति दयालु होंगे. बट बींग वी मीन एंड विकेड यूजली मेक अस लेस हैप्पी. लेकिन अगर हम लोग मीन होंगे, मीन माने चालाकी करेंगे या सेल्फिश हो गए, तो हम लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे. तो इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है बच्चों? म्यूको, म्यूको डॉग है, और काइंड ओल्ड कपल, एक कपल माने जोड़ा, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है. काइंड ओल्ड है, वो दोनों बूढ़े हैं लेकिन बहुत दयालु हैं. और दूसरा जोड़ा है जो विकेड नेबर्स है, जो दुष्ट पड़ोसी है. ठीक है, तो ये स्टोरी जापान की है ना. ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल, एक ऐसे जोड़े की है जो बहुत मेहनती ईमानदार थे, और उनका एक पेट डॉग था जिसका नाम था म्यूको. The neighbors of the couple are greedy and cruel. दोनों ही उसके पड़ोसी जो थे, दोनों उन दोनों के वो बहुत ही क्रूएल थे. क्रूएल माने बहुत ही जो ज्यादा दुष्ट रहते हैं, है ना, जिनके मन में दया भाव नहीं होती, क्रूएल होते हैं वो. क्रूर, ग्रीडी, लालची भी थे. This greedy and cruel nature result in the sad death of the dog. और इन्हीं दोनों की वजह से जो तो कपल था जो ग्रीडी और क्रूएल था, उनकी वजह से डॉग की भी डेथ हो जाती है. However, the spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected way with the hint of magical realism. यानी कि जो गॉड डॉग की जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो उनको शांति देती है और सपोर्ट देती है अपने मास्टर को कई अनएक्सपेक्टेड वे में, यानी जो हम सोच नहीं सकते. और एक मैजिकल चीजें भी हैं इस लेसन में. तो चलिए इंजॉय करते हैं इस लेसन को. फर्स्ट पिक्चर, पिक्चर्स के थ्रू आपको बड़े अच्छा समझ में आता है ऐसा बच्चों ने मुझे बताया, इसलिए हम पिक्चर से समझेंगे बच्चों. और क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमको लेसन की बारीकी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए. जैसे कि डॉग का नाम क्या था, म्यूको, कहाँ की स्टोरी है, जापान है ना, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए. और वर्ड मीनिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, इसलिए वर्ड मीनिंग्स को ज्यादा ध्यान देंगे. तो फर्स्ट, इन द ओल्ड गुड डे ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. उसका एक उनका छोटा सा कुत्ता था, लिटिल डॉग था, उसका नाम था Having no children, उनके कोई बच्चे नहीं थे, और वो उसको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. डेमियोस क्या होता है? डेमियोस वेल्दी लैंडलॉर्नर्स, लैंड ओनर्स, जो जमींदार होते थे बहुत अमीर, डेमियोस, उनके जमाने की कहानी है ये. ये देखिए आप मीनिंग बगल में दिया हुआ है. पेट डॉग यानी डोमेस्टिक, घर का पालतू जानवर जो होता है उसको बोलते हैं. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. ओल्ड डेम, डेम माने जो हस्बैंड वाइफ थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, उसके लिए कुशन बनाया ब्लू कलर का. आप देख रहे हैं कुशन, कुशन माने क्या होती है, गद्दी टाइप की, एक बैग ऑफ क्लॉथ होता है जिसके अंदर हम लोग सॉफ्ट मटेरियल भर देते हैं, जैसे रुई वगैरह, तकिया जैसे, है ना, उस टाइप से. ठीक है, तो उसके लिए ऐसा उन्होंने तकिया बना रखा था बढ़िया, उसमें वो आराम से बैठता था, सोता था. और मील टाइम में, खाने के समय, मील टाइम, म्यूको, फॉर दैट वॉज इट नेम, उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज अ बग इन अ रग. देखो ये तीनों शब्दों को ध्यान से समझ लेना बच्चों. अस्नग, स्नग माने क्या होता है, कंफर्टेबल, क्लोजी, बहुत कंफर्टेबली वो अपने, एज अ बग इन अ रग, जैसे एक रग के अंदर एक बग, एक कीड़ा, एक अपने उसमें रहता है ना, किसी चीज में छुप के आराम से कंफर्टेबल बैठा रहता है. ऐसे कुत्ता भी अपने बेड के ऊपर जो उसके लिए बनाया हुआ था उस पर बड़े मजे से कंफर्टेबली बैठा करता था. और द काइंड ओल्ड कपल, और जो बूढ़ा जोड़ा था, फेड द बैट विथ टिट बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. और वो जो खाना खाते थे उसमें से टिट बिट्स माने क्या होता है, स्मॉल पीसेज ऑफ टेस्टी फूड. और अब देखो जब वो औरत खाना खा रही है ना, देख रहे हैं आप फोटो में, और कुत्ता बगल में बैठा है, उसको वो बीच बीच में अपने खाने में से टुकड़े निकाल निकाल के फेंक रही है, तो वो बड़े उसको टेस्टी. चॉपस्टिक क्या होता है, एक छोटी सी लकड़ी की डंडियां होती है. आपको पता है चाइना के लोग डंडियों से खाते हैं, जैसे हम लोग चम्मच से खाते हैं, वो लोग डंडियों से खाते हैं, और वो बहुत आराम से खा लेते हैं. चाइनीज और जापानीज लोग ये सब चीजें ज्यादा यूज करते हैं, तो वो उसमें से फेंकती जाती थी उसको. तो ये कुत्ता देखिए वहां बैठा बगल में खा रहा है, और ऑल द बॉइल्ड राइस, और खूब सारा उबला चावल उसको पसंद था, पेट भर के वो देती थी. दस ट्रीटेड म्यूको द डम क्रीचर लव्ड इट प्रोटेक्टर्स लाइक बीइंग विद अ सोल. और जो म्यूको था, जो डम क्रीचर, डम माने गूंगा, बोल नहीं पाता है जानवर,
तो लेकिन वो अपने मालिकों को, अपने दोनों जो है जोड़ी थी, उन दोनों को बहुत ही सोल की तरह, आत्मा से प्यार करता था, जैसे कोई ह्यूमन बच्चा, लाइक बीइंग अ सोल माने लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, यानी कि जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करता है, ऐसे वो डॉग अपने माँ बाप से प्यार करता था, क्योंकि वो लोग उसकी बहुत देखभाल करते थे। समझ में आ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नाउ द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, वो चावल उगाता था, वेंट डेली विथ हो और स्पेड इन टू द फील्ड, वो डेली हो, आप देख रहे हैं उसके हाथ में एक हो है, फावड़ा, गैती, इन चीजों को हो और वो कहते हैं, ठीक है, तो उसके संग वो रोज अपने खेत में जाता था, वर्किंग हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटा, ओ टेंटो माने, ओ टेंटो सामा माने सूरज, सूरज को उस भाषा में, जापानी भाषा में टेंटो सामा कहते हैं, तो जब तक टेंटो सामा बिहाइंड द हिल्स छुप नहीं जाता, तब तक वो वहां पे रहता था, जाता था अपने खेत में। तो आप देख रहे हैं वो अपने खेत में बैठा हुआ है, और छोटी छोटी चिड़िया जो आ जाती है ना, जब खेत में गुड़ाई करते हैं तो कीड़े निकल आते हैं ऊपर, तो छोटी छोटी चिड़िया उनको खाने के लिए आ जाती है, तो ऐसे ही वो देखिए, वो डॉग कितना अच्छा था, वो चिड़िया को कुछ नहीं कह रहा, उसके बगल में ही चिड़िया बैठी है, लेकिन वो चिड़िया को झपट नहीं रहा, काट नहीं रहा। तो एवरी डे का रूटीन था ये, तो वो फार्मर अपने खेत में जाता था, राइस फार्मर था, चावल उगाता था वो, तो हो स्पेड लेके जाता था, और सुबह से लेके दोपहर जब तक शाम को सूरज नहीं ढल जाता, वो अपने खेतों में काम करता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और रोज डॉग भी उसके पीछे पीछे फॉलो करता, उसके पीछे पीछे जाता, एंड केप नियर बाई, और पास ही रहता उसके, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरॉन दैट वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिकअप द वर्म्स, वर्म्स माने कीड़े। तो जो हिरॉन चिड़िया, सफेद चिड़िया होती है ना, आपने देखा होगा खेतों में आ जाती है कीड़े खाने के लिए, तो कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज क्वाइंट टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ओफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द सेक्रेड बर्ड्स, और वो जो ओल्ड मैन था वो कभी भी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसी जानवर को, किसी चिड़िया को, और वो कभी कभी अपना सॉर्ड को भी खोल देता था, यानी कि जो उसका देख रहे हैं आप डब्बे में लिए हुए हैं वो दाने, उसके वो खोल देता था जानबूझ के, ताकि चिड़िया आए और उसमें से चावल वावल निकाल के जो भी है खा लें। सेक्रेड माने होली बर्ड्स। हिरॉन क्या होती है? एक लार्ज फिश ईटिंग वेडिंग बर्ड होती है, इसके लंबे लंबे पैर होते हैं, आप लोगों ने खेतों में देखा होगा इसको। तो ये तो हो गया कि कैसे वो किसान, उसमें हमको पता लगता है कि कैसे वो किसान इतना दयालु था। फिर क्या हुआ, एक दिन जो किसान था, जब वो खेत में था, तो कुत्ता उसको ऐसे ऐसे करके उसके अपने पैरों को उसके पैरों पे मारने लगा, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज स्ट्रॉ लेगिंग माने, हाँ देखो सॉर्ड का मीनिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया, द सरफेस ऑफ द ग्राउंड है ना, जो ग्राउंड की सरफेस होती है, तो उसको जानबूझ के वो खोद के छोड़ देता था, ताकि चिड़िया आके वहाँ खाना का, इंटेंशनली माने पर्पसफुली जानबूझ के, पॉ माने पंजा, तो जो अपने पंजे को वो उसके पैरों पे बार बार मार रहा था कुत्ता, कि चलो चलो, एक जगह वो कुत्ता उसको ले जाना चाहता था, तो पहले तो उसने सोचा, मोशनिंग माने मूवमेंट, उसको उस मोशन में ले जाना चाहता था, मूवमेंट ऑफ हैंड, और मतलब बार बार अपने मुंह से या पैर से उसके पैर पे मार मार के इशारा कर रहा था कि यहाँ चलो यहाँ चलो। तो पहले तो उसके मालिक को समझ में नहीं आया, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, पहले लगा कि कुत्ता खेल रहा है, बट डिड नॉट माइंड इट, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, बट द केप्ट केप्ट डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन कुत्ता बार बार वाइनिंग माने क्या होता है, अजीब सी नाक से आवाज निकालना, कू 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 करना, और वो बार बार टू एंड फ्रो माने आगे पीछे दौड़ रहा था, कि यहाँ चलो यहाँ चलो, वो चाहता था अपने मालिक को किसी जगह ले जाना। तो आप देख रहे हैं पहली पिक्चर में, इस पिक्चर में, कि वो अपने मालिक को मुंह से इशारा कर रहा है कि यहाँ चलो, पहले मालिक समझा नहीं, फिर वो समझा, Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर एक वो कुत्ता एक जगह पे गया और जल्दी जल्दी खोदने लगा, स्क्रैच करने लगा, स्क्रैच माने जमीन पे खोदने लगा, थिंकिंग इट ओनली अ बरेड बोन और बिट ऑफ फिश, के मालिक ने सोचा कि जरूर यहाँ पे कोई हड्डी गड़ी होगी या मछली वछली होगी, तभी उसको खाना चाहता है। ओल्ड मैन ऑल्सो आयरन शुड हो, उसने अपनी लोहे की जो उसके पास गैती थी उससे उसने उसको खोदा और देखा, लो लो माने एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज इनक्रेडिबल, ये तो अविश्वसनीय है, क्योंकि वहां पे सोना निकला, जैसे ही उसके मालिक ने वहां खोदा तो वहां पे क्या निकला, सोना है ना, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, ग्लीम माने शाइन, एक पूरी जैसे कहते हैं ना जमीन खोदने पे सोना मिल गया, तो वैसे ही उसको जमीन खोदने पे सोना मिल गया, और किसने दिलाया उसको ये सोना, उसके कुत्ते ने। इन एन आवर द ओल्ड कपिल वर रिच, और एक घंटे भर में ही कपिल रिच हो गए, अमीर हो गए, क्योंकि उनको इतना सारा सोना गड़ा हुआ मिल गया। The old good souls bought a piece of land, made a feast for them. उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, feast माने पार्टी, उन्होंने अपने सब मित्रों को बुला के पार्टी दी,
एंड गेव प्लेंटीफुल टू द पुअर ओल्ड पुअर नेबर्स, और खूब सारा खाना पीना अपने पड़ोसियों को दिया क्योंकि वो दयालु भाव के थे। एज फॉर द डॉगी दे पेटेड हिम, और डॉगी को तो खूब उन्होंने गले लगाया क्योंकि उसी की वजह से उनको ये गोल्ड मिला। इतना ज्यादा उसको प्यार किया, स्मॉदर्ड हिम, स्मॉदर्ड माने ऐसा, इतना ज्यादा उसको गले चिपका रहे थे कैसे लग रहा था उसका दम ही ना घुट जाए कहीं कुत्ते का, यानी इतना उसको लाड़ प्यार। स्मॉदर माने क्या होता है, दम घोटना, तो कुत्ते को इतने गले लगा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कुत्ता स्मॉदर हो जाएगा, दया से, दया के संग, प्यार के संग। बट नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड कपल, अब उनके बगल में ही बहुत दुष्ट एक पड़ोसी रहते थे। तो अब यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, ट्रेजर, ट्रेजर माने क्या होता है, बहुत की खजाना, ड्रैग्ड पुल, ड्रैग पुल माने कोई चीज को घसीटना, पॉ माने पंजा, स्क्रैच माने जमीन पे खोदना, किसी अपने पंजों से स्क्रैच करना है नाखूनों से कोई चीज को नोचना। कवीटस आगे मीनिंग आएगा, ये ग्रीडी। क्रोन, क्रोन माने ओल्ड लेडी, ओल्ड मैन की वाइफ। फ्यूरियस यानी एक्सट्रीमली एंगी, फ्यूरियस माने बहुत गुस्सा होना, नाराज हो जाना। चॉपिंग ऑफ, चॉपिंग ऑफ माने काट देना, चॉप कर देना, किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना। फ्लंग माने थ्री, फेंक देना। हीप माने ढेर। चलिए ये वर्ड मीनिंग आगे आएंगे, इसलिए हमने इसको एक बार पढ़ लिया है, आपको ये समझ में आ जाए जिससे। चलिए अब आप देख रहे हैं, अब उसने अपने मालिक को जमीन के नीचे से खजाना गाड़ के दिया, तो जो पड़ोस में दुष्ट पड़ोसी थे वो सोचने लगे कि हमें भी खजाना दे कुत्ता निकाल के। जो पहले तो कुत्ते को हमेशा क्या करते थे, हु ऑलवेज किक देन स्कोल्डेड ऑल डॉग, पहले तो वो कोई भी कुत्ता उनके दरवाजे पे जाता तो उसको किक मारते, देखो लात मार रहा है वो, है ना, किकिंग कर रहा है, और उसको स्कोल्ड करते, पत्थर मारते उठा के, जो भी उनके घर के आसपास भी जाता था। लेकिन अब जब उन्होंने सुना कि कुत्ते ने खजाना ढूंढ के दे दिया, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स द डॉग। कॉक्स माने क्या होता है, उसको इंटाइस करना, लालच देना, उन्होंने कुत्ते को लालच दिया, देखो मछली खिला के लालच दे रहे हैं, आओ आओ मछली खा लो ताकि हमें भी बताओ खजाना कहाँ है। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, डेंटीज माने क्या होता है, दूसरी अट्रैक्टिव चीजें और दूसरी आकर्षित चीजें उसके सामने रखने लगे। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर हिम, और किस उम्मीद में कि वो उनको खजाना ढूंढ के देगा। बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, वो नीदर ईट नॉ मूव, लेकिन कुत्ता डर के मारे ना हिला और ना उसने उनको कुछ ला के दिया, क्योंकि उसे तो कुत्ता डर रहा था कि कब रोज तो लाते मारते हैं, ठीक है। देन द ओल्ड कपल, लेकिन कुत्ते, जब कुत्ते ने खाया भी नहीं तो भी वो लोग कुत्ते को घसीटते हुए बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, अपने संग फावड़ा गेती वो लोग ले गए। नो सूनर हैड म्यूको गॉट नियर अ पाइन ट्री, वो एक पाइन के पेड़ के पास आए, ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वो एक जगह पे म्यूको गड्ढा खोदने लगा, है ना, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले अंडरग्राउंड। उन्हें लगा कि म्यूको यहाँ पाइन के पेड़ के नीचे खोद रहा है तो यहाँ जरूर खजाना होगा, तो वो लोग खुश हो गए, दे डांस विद जॉय। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, उसने कहा लाओ पत्नी जल्दी से मुझे फावड़ा गेती दो, उसने लिया। देन द कवेटियस, कवेटियस माने दुष्ट ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, है ना, और वो बूढ़ी लेडी विथ अ हो, उस बूढ़ी लेडी ने हो ले लिया, उसने स्पेड ले ली और दोनों जाने जमीन खोदने लगे। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ खजाना वजाना कुछ नहीं था, वहाँ एक मरा हुआ किटन निकला, मुर्गी का बच्चा, है ना। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज़, इतनी बदबू आई जैसे ही उन्होंने खोदा उसको, क्योंकि मरा हुआ सड़ गया था वो, तो उन्होंने भी नाक बंद कर ली, तो सब टूल्स फेंक दिए। लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गए, फ्यूरियस गुस्सा हो गया उनको कि अरे इसने अपने मालिक को तो खजाना ढूंढ के दिया और हमें मरा हुआ किटन ढूंढ के दिया, है ना। तो उन्होंने उसको लात मारी और खूब उसको म्यूटो को खूब मारने लगे, इतना मारा बेचारा कि वो जहाँ कुत्ता मर गया। फिर क्या किया उन्होंने, एंड द ओल्ड मैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द सेम हो, और ओल्ड आदमी इतना दुष्ट था उसने उस कुत्ते का सर भी काट दिया बेचारे का अपनी गैती से, और फिर उसको फ्लंग हिम इनटू द होल, उसी गड्ढे में गाड़ दिया जहाँ पे वो मरा हुआ किटन निकला था। एंड हीप्ड अर्थ ओवर द कारकेस, कारकेस माने डेड बॉडी, और डेड बॉडी के ऊपर उन्होंने ढेर मिट्टी का लगा दिया, जैसे देख रहे हैं आप ये कि मिट्टी से उसने मुखियों की लाश को ढक दिया। अब बेचारा जो इसका मालिक था वो बड़ा दुखी हो गया, वो कितना काइंड था, वो कितना प्यार करता था। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग, मॉर्निंग माने दुख प्रकट करना, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो यानी दुख प्रकट करना। फॉर हिम एज इफ हैज बी ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वो इतना दुख कर रहा था जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो पाइन ट्री के पास गया। ही सेट सम बेम्बू ट्यूब्स इन द, बेम्बू की उसने ये ट्यूब्स लगा दी, ऐसे करके एक आकार बना दिया कि ये टूम है, टूम माने उसकी ग्रेव, कब्र। एंड विच इन विच ही पुट फ्रेश कैमिलिया फ्लावर, तो उसने कैमिलिया फ्लावर्स उस पर डाले, फूल डाल दिए, ये देख रहे हैं आप फूल डाल दिए। एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और एक खाने में वो ट्रे में खाना भी लेके गया अपने कुत्ते के लिए।
एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. और इंसेंस माने अगर खुशबू और इन अगरबत्ती, और उसने देखो खुशबूदार अगरबत्तियां भी जलाई. ये सब उसने अपने कुत्ते की याद में किया. ही मोर्न, उसने बहुत दुख प्रकट किया ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव. और उसको पुकारने लगा, म्यू को आ जाओ बेचारा, क्योंकि उसको बहुत दुख लग रहा था अपने कुत्ते की मौत का. वो बहुत प्यार करता था अपने कुत्ते को. फिर उसी रात जब वो सो गया अपने घर में जाके, द नाइट दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ड्रीम. अब जो कुत्ता था वो उसके सपने में आया. उसने कुत्ते ने आके क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री विच इज ओवर माई ग्रेव. उसने कहा जो मेरी कब्र के पास पाइन का पेड़ है उसको काट लो. मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस. उसने कहा तुम उससे एक मोर्टर बनाओ. मोर्टर क्या होता है, कप शेप रिसेप्टेबल इन विच इंग्रेडिएंट्स कैन क्रश. यानी कि जैसे अपन क्रश करने को चलने के लिए एक बर्तन टाइप का बनाओ जैसे गोल सा, और उसमें और मिल ग्राइंड माने चक्की, और राइस पेस्ट्री बनाओ. तो ये दो चीजें तुम बनाओ, चक्की बनाओ और एक ऐसा बर्तन बनाओ जिसमें तुम कूट सको, ठीक है ना, जिसको अपन खलबट्टा ममदस्ता ऐसा कुछ कहते हैं ना वो चीज. तो ममदस्ता और एक चक्की बनाओ. उसने कहा दो चीजें तुम बनाओ उस लकड़ी से, ये जो पाइन ट्री है जो मेरी कब्र पे है उससे, ठीक है. तो इसकी ट्रंक, ट्रंक माने इसकी ये जो मोटा हिस्सा होता है इसको ट्रंक कहते हैं. तो उसने कहा इससे बनाओ, ठीक. तो उसको सपने में आके कुत्ता ये बोल के गया. फिर क्या हुआ, अगले दिन ओल्ड मैन गया, उसने चॉप डाउन किया उस पेड़ को, काटा है ना मिडल ऑफ द ट्रंक. ये देख रहे हैं अब ये ट्रंक है, इसको उसने काटा और इसमें से देखो उसने वो बनाया है ना ये उसने, और 2 फीट लॉन्ग का था वो, विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर, थोड़ा जला के थोड़ा मेहनत से, फिर छैनी हथौड़े, चिसल माने छैनी हथौड़े से कट करना, और बहुत मेहनत के संग उसने एक बाउल बनाया. उसने एक बड़ा सा देख रहे हैं अभी बाउल टाइप का बनाया जिसमें वो कूट सकेगा, ताकि वो उसमें कूट सके. तो उसने उसको कूटने के लिए बनाया. स्क्रेप माने ड्रैग या पुल हार्ड शार्प इम्प्लीमेंट अक्रॉस अ सरफेस. स्क्रेप माने कोई चीज को छीलना. उसने लकड़ी को छील छील के ऐसे हॉलो माने अंदर से खोखला, जिसमें वो पाउंड कर सके. पाउंड माने क्रश, कुचलना, जिसमें वो ग्राइंड कर सके. जैसे चटनी बनाते हैं ना किसी चीज में, पहले जमाने में ऐसे रहते थे, गोल बर्तन होते थे, उसमें लकड़ी के मोटे टुकड़े से ऐसे गोल गोल को होता करके चटनी बनाते थे. तो उसने कहा ऐसे कुचल के बना सके. मास माने लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग. ये इसमें इतना बड़ा बर्तन खोखला सा बना रहा है वो, इसमें वो बहुत सारा सामान कुचल सकता था. और डफ, डफ माने आटा गूंदना जैसे, तो उसने आटे को भी गूंद सकता है बेकिंग करने के लिए, जैसे रोटी बनाने के लिए हम लोग आटा गूंदते हैं ना ऐसे. तो इसलिए उसने बनाया, तो उसने इस टाइप से बर्तन बनाया. तो आप देख रहे हैं ये देखो, ये चक्की बना ली और ये उसने एक पाउंड करने के लिए बनाया, एक मिल बनाई उसने और ये दूसरा ये बनाया. वेन न्यू ईयर टाइम ड्रू न्यू, अब जब नया साल आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. उसने कहा चलो चावल की कुछ पेस्ट्री टाइप की बनाते हैं. एंड वेन द राइस वॉज बॉइल्ड, जब राइस उबल गई तब उसने उसको मोर्टर में डाला है ना. एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ. देखो उसने अपने हथौड़े से उसने चावल को उबाला, चावल को उबाल के उसको कूट कूट के आटा बनाएंगे, उसका बढ़िया आटे का बनाएंगे, ठीक है. एंड द ब्लोज हैवीली एंटिल फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग. उसको आटे को इतना गूंदा उसके अंदर, ये बड़े से गोल बर्तन में बना के उस आटे चावल के आटे को, चावल को उबाल के उसका आटा बनाया और उसको खूब गूंदा ताकि बढ़िया उसको बेक किया जा सके. और जो वुमन थी उसने हैंड मिल यानी चक्की से उसने जो बीन्स थी है ना, जो बीन्स होती है, बीन्स माने सेम के बीजे रहते एक प्रकार के, उसको उसने खूब कुचला. जब वो उसको ग्राइंड कर रही थी तो क्या हुआ, सभी वो जितना ग्राइंड करती जा रही थी वो सब सोना बन बन के गिर रहा था. ये देखो आप, तो वो बीन्स को ग्राइंड कर रही थी, बीन्स को चक्की में चला रही थी और निकल के आ रहा था सोना. तो अब जो जो उसका पड़ोसी, जलने वाला पड़ोसी था, वो खिड़की से झांक के उसने देखा. द एनवीएस माने जलनखोर, जो जलने वाला, चिड़ने वाला जो उसका दुश्मन पड़ोसी था, उसने पीप पीप माने झांका विंडो में से. वेयर द बॉइल्ड बीन्स आर बीपिंग, उसने देखा कि ये तो बीन्स जो है ये सोना बन बन के गिर रही है. In a few minutes, the tub under the mill was full of shining mass of gold. उसने देखा कि थोड़ी देर बाद ही जो टब था जहाँ पे जो चक्की चला रही थी और जो सामान उसमें से बाहर निकल निकल के गिर रहा था वो सब गोल्ड का बनता जा रहा था. और द गोल्ड कपिल वर रिच अगेन, वो फिर से अमीर हो गए. तो ये कुत्ता उन पर बड़ा मेहरबान था, कुत्ते ने ही उनको आके बोला कि लकड़ी का ये बनाओ, और उन्होंने बनाया और ये उनको फिर से बहुत सारा सोना मिल गया. ये चीज किसने देख ली, वो पड़ोसियों ने देख ली. अब पड़ोसी क्या करेंगे, देखो अब पड़ोसी ने क्या किया,
द नेक्स्ट डे द स्टिंजी, स्टिंजी माने कंजूस और विकेट दुष्ट पड़ोसी आए और बोरो, बोरो माने उधार लेना, उन्होंने आके उनसे उधार मांग लिया कि हमें अपना ये मोटर और मैजिक मिल दे दो। मोटर माने वो बर्तन, गहरा बर्तन, और मिल माने चक्की दे दो। वो लोग ले गए। दे फिल वन बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स, उन्होंने जैसा उन्होंने बॉइल्ड राइस से भरा था और बीन्स से चलाया था वैसे ही वो भी नकल करने लगे। लेकिन क्या हुआ, उनकी नकल सफल होगी क्या? नहीं, क्योंकि वो विकेड हैं, दुष्ट हैं। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड, अब वो आदमी उसको आटे को गूंदने लगा चावल के, और औरत चक्की चलाने लगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसको किया, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू फाउल मास ऑफ वर्म, वो सब कीड़ों में बदल गई। देख रहे हैं आप, सब चीज कीड़ों में बदल गई, सारा उनका चावल का आटा वो सब कीड़े में बदल गया, और जो बीन्स थी वो भी कीड़ों में बदल गई। अब उनको बड़ी गुस्सा आई, बहुत उन्होंने चॉप ऑफ द मिल, उन्होंने उस मिल को टुकड़े टुकड़ों में काट तोड़ दिया गुस्से के मारे, क्योंकि लकड़ी की बनी थी, और उसको उन्होंने क्या किया, गुस्से में उसको तोड़ दिया कि तुम हमें कुछ नहीं दे रही हो तो उनको भी कुछ नहीं दोगी, और जलन के मारे उन्होंने उसको मिल चक्की को और उस बर्तन को दोनों को तोड़ दिया। फिर से कुत्ता अगले दिन अपने मालिक के सपने में आता है। नाउ लॉन्ग आफ्टर दैट द ओल्ड मैन वॉज ड्रीम्ड अगेन, फिर से उसने सपना देखा, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा, द विकेड पीपल बर्न द मिल मेड फ्रॉम द स्पाइन ट्री, उसने कहा दुष्ट लोगों ने जो आपने चक्की बनाई थी उससे उसको उन्होंने जला दिया है। तो उन्होंने कहा अब तुम एक काम करो, टेक द एशेज ऑफ द मिल, टेक द एशेज ऑफ द मिल माने उसकी राख जो उन्होंने जला दिया है ना, मेरा मैंने जो पाइन ट्री का आपने बनाया था उसको जो तोड़ के उन्होंने जला दिया, तो अब आप उसकी राख को ले लो, और स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री, और उसने कहा स्प्रिंकल माने छिड़क दो, उसको ले जाके आप छिड़क दो किस पे, विदर्ड ट्री पे, विदर्ड माने मुरझाए हुए पेड़ों पर, दे विल ब्लूम अगेन। तो उसने कहा आप एक चमत्कार कर सकते हो, वो जो राख है जो चक्की को जला के और तोड़ के उन्होंने फेंक दी थी उसको जला दिया है, उसकी राख ले आओ, और उस राख को आप किसी भी मुरझाए हुए पेड़ पे, विदर्ड माने बेयर एंड ड्राई जिसपे फूल नहीं आते, उस पर स्प्रिंकल कर दोगे, स्प्रिंकल माने छिड़क दोगे, तो वो एकदम खिल उठेगा, ब्लूम माने खिल उठेगा। आप देखो, ये देखो हस्बैंड वाइफ वो दुष्ट वाले हैं, दोनों ने जला दिया चक्की को और उसको। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, दोनों आदमी उठा और पड़ोसी के घर गया, वहां उसने देखा कि दोनों मिजरेबल, मिजरेबल माने दोनों बुरी दशा में, ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस, दोनों एक कोने में बैठे हुए थे, आग जलाए हुए थे, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। देखो ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं और वो आग जला के बैठे हैं, और आग में क्या जला रहे हैं, वही मिल और मोटर जला रहे हैं जो उन्होंने उसने दी थी उनको। फ्रॉम फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म देयर हैंड एंड फीट अंडर द ब्लेज एंड सम बिट्स ऑफ द मिल, तो बार बार वो कुछ कुछ उसने हाथ पांव सेक रहे थे, अपने सर्दी का मौसम था, और उसमें थोड़ी थोड़ी वो टूटे हुए टुकड़े चक्की के डालते जा रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, अब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे इसकी राख ही दे दो तुम लोग। तो वो दोनों जाने जला रहे थे, लेकिन कवर्टियस जो कपल था, यानी जो दुष्ट कपल था, उन्होंने टर्नड अप देयर नोजेस, उन्होंने अपनी नाक भौंस सिकोड़ी और उसको चिल्लाए उसके ऊपर जैसे कि वो चोर हो। लेकिन एक चीज अच्छी थी, उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ राख ले जाओ, तुमको लेके जानी है, तो वो राख देखो बटोर रहा है, उसने अपने डब्बों में राख भर ली और वो ले गया, है ना, उसी की चीज थी, उन्होंने एक तो जला दी, ऊपर से उस पर चिल्ला रहे थे। अब देखो क्या हुआ, ऑन कमिंग होम, जब वो घर आया तो ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, ओल्ड मैन ने क्या किया, अपनी पत्नी को लिया और गार्डन में आ गया। इट बीइंग विंटर द फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बिल्कुल बिना पत्तियों के था, सर्दियों की मारे उसकी पत्ती सब झड़ गई थी, तो बिल्कुल सूखा रूखा हो गया था वो। तो उसने कहा चलो देखते हैं कि जो कुत्ते ने कहा सच होता है कि नहीं होता। तो उसने थोड़ी सी राख ली और उसको स्प्रिंकल कर दिया, पिंच ऑफ ऐश को उसके ऊपर, एंड लो और आश्चर्य, स्प्राउटेड ब्लॉसम, वो एकदम खिल गया, उसमें फूल खिला एकदम से, एंड बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड एयर, उसमें गुलाबी रंग के सुंदर खुशबूदार फूल खिल गए जिसने पूरे घर में पूरे एरिया में खुशबू फैला दी। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि उस आदमी के पास कुछ चमत्कार है कि वो राख डालता है और फूल खिल जाता है। एंड एवरीवन रैन टू सी द वंडर, सब कोई दौड़े। द कवेटियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, कवेटियस कपल ने भी ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल टेक कैप देम एज विदर ट्री ब्लॉसम, उन्होंने भी क्या किया, जो दुष्ट पड़ोसी थे उन्होंने कहा हम भी बटोर के रख लेते हैं बाकी की राख, और उन्होंने उसको बटोर के रख लिया कि अब हम भी इसको डालेंगे और मुरझाए हुए पेड़ों को खिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फेवरेट माने क्या होता है, जो पसंदीदा, पिंच माने चिटकी भर, स्प्राउटेड माने जिसमें फूल उग रहे हैं, स्प्राउट बीजन, बीज में से पेड़ का निकलना, जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं उसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। ब्लूम माने फूल खिलना,
परफ्यूम माने खुशबू, अप्रोच माने जाना उसके पास। तो इस तरह से वो लोग गए। अब आप देखिए अब क्या हुआ। अब आई हैव हर्ड दैट माई लॉर्ड द डैमियो इज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड। उसने देखो एक रोड थी उसके ऊपर वो पेड़ था, तो उसने कहा कि मेरे मास्टर देखो डैमियो आ रहा है ना पीछे, वो आ रहे हैं इस रोड से निकल के जाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन सेट आउट टू सी हिम। जो बूढ़ा आदमी था उनको देखने गया, सी हिम मैंने उसको देखने गया। टेकिंग इज बास्केट ऑफ एशेज, और एक बास्केट में वो अपनी राख ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे उनका काफिला पास में आया, ही क्लाइम्ड अप एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री एंड स्टूड बाय द वे साइड। और वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, एक मुरझाए हुए चेरी ट्री पे चढ़ के बैठ गया और एक किनारे में खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही डैमियो आता था, उस समय की बात है, इन द डेज ऑफ द डैमियो इट वॉज द कस्टम, कस्टम माने रिवाज, ये एक रिवाज था, दैट ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फेल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्टेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई। यानी कि जैसे ही डैमियो आएगा, यानी वो लैंडलॉर्ड, जो वेल्दी लैंडलॉर्ड होता था उनका मालिक जमींदार, वो जब आएगा तो कस्टम माने रिवाज, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि सब लोग जमीन के ऊपर लेट जाएंगे, बिल्कुल हाथ और पांव बिल्कुल सीधे करके। प्रोस्टेट माने क्या होता है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, यानी मुंह को नीचे करते हुए जमीन पे लेट जाना, जैसे साष्टांग प्रणाम करते ना भंजे थे भगवान को, उस टाइप से आप जमीन पे लेट जाएंगे सब लोग। और जब तक प्रोसेशन, जब तक उनका जुलूस निकल नहीं जाता, प्रोसेशन माने जुलूस, जब तक जुलूस निकल नहीं जाता तक सब ऐसे ही लेटे रहेंगे। लेकिन ये जो बुढ़ा आदमी था ये तो पेड़ पर चढ़ के बैठ गया था। लेकिन देखो क्या हुआ, द ट्रेन न्यू बाई, जैसे ही उनके पास पास वो काफिला आने लगा, तो देखो ये एक आगे आगे एक आदमी चल रहा था उनका डैमियो का, उसने उसको देख लिया। तो वो सबसे कहता जाता था, सब घुटनों के बल हो जाओ, सब घुटनों के बल हो जाओ, डैमियो आ रहे हैं घुटनों के बल हो जाओ, और सब लोग जमीन पर लेटते जाते थे। तो जैसे ही काफिला उसके पास आया तो सब लोग नील डाउन होने लगे, यानी घुटनों के बल लेटने लगे, प्रोसेशन जुलूस जाने लगा। सडनली जो लीडर था ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन इन द ट्री, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है ना। पहले उसके मन में आया उस आदमी के कि मैं इसको बुलाऊं और उसको गुस्से में उस बूढ़े आदमी को नीचे उतारूंगी, तुम पेड़ पर चढ़ के क्यों बैठ गए। लेकिन उसने देखा कि तो बहुत ओल्ड फेलो है, बहुत बूढ़ा है। ही प्रटेंडेड नॉट टू नोटिस, उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि उसने उसको देखा नहीं और उसने उसको बैठा रहने दिया। यानी कि जो एक आदमी राजा वो जमींदार के आगे आगे आता था, जो सबको हटाता था, सबको नील डाउन कराता था, उसने देख लिया था इसको, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा बूढ़ा आदमी है क्या कर लेगा, बैठा रहने दो एक तरफ, और वो बैठा रहा। अब क्या हुआ, अब आप देखो जैसे ही वो डैमियो पेड़ के नीचे से निकला तो क्या किया उस ओल्ड काइंड ओल्ड मैन ने, थोड़ी सी राख को स्प्रिंकल कर दिया चेरी ट्री पे, और जैसे ही उस पे डाला तो सारी चेरी जो फूल खिल गए और वो फूल उन लोग के ऊपर गिर गए। किन के ऊपर गिरे, जो डैमियो था नीचे, तो नेचुरली डैमियो खुश हो जाएगा। तो देखो, सो व्हेन द डैमियो पैलेंक्विन, पैलेंक्विन माने क्या होता है, जो जिसमें वो बैठ के आते हैं ना, पैलेंक्विन एक्चुअली में होता है एक, पहले जमाने में जैसे राजा होते थे वो एक बंद सवारी में जाते थे जिसको लोग उठा के जाते थे, पालकी, पालकी टाइप की। तो जैसे उनकी ये पालकी उनके पेड़ के नीचे से निकली, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, उसने एक पिंच माने एक चुटकी भर राख ली और उस पेड़ पे छिड़क दी, स्कैटर्ड माने बिखेर दी। फिर क्या हुआ, इन अ मोमेंट इट बस्ट इन टू ब्लॉसम, और एक पल में वो सारे जो चेरी ट्री जो विदर्ड था, जो सूखा रूखा था, जिसपे एक भी पत्ती नहीं थी, वो फूलों में खिल गया। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप, और जो डिलाइटेड डैमियो खुश हो गया और उसने कहा ट्रेन को रोक दो, एंड गेट आउट टू सी द वंडर, और वो आश्चर्य देखने के लिए उतर गया। कम हियर काइंड ओल्ड मैन, थैंक यू, देयर आर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोप, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स फॉर यू। और उसने कहा इधर आओ रे तुम, बड़ा राजा बड़ा वो जमींदार खुश हो गया, एक प्रकार से राजा ही था वो उनका, वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा ये लो सिल्क रोब, सिल्क के कपड़े ले लो, स्पॉन्ज केक ले लो, फैन ले लो, और दूसरे इनाम भी ले लो, और मैं तुमको अपने कासल, कासल माने किले, मैं तुमको अपने किले पे भी बुलाता हूँ। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, ग्लीफुली माने हैप्पीली, और बड़ा खुश खुश अपने घर चला गया अपनी पत्नी के पास। तो इस तरह से वो तो बड़ा खुश हो गया। अब क्या हुआ, जो पड़ोसी था उसकी नकल करता था, वेन द ग्रीडी नेबर, जैसे ही ग्रीडी नेबर ने देखा कि अच्छा ऐसा हुआ है, ही उसने भी मैजिक एशेस को लिया और वो भी एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, आई विल क्लाइम दिस विद द ट्री एंड वेट हियर अंटिल द डैमियो ट्रेन कम्स अलोंग। उसने भी सेम उसी की जैसे नकल करी, पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और राख हाथ में ले ली। अब जैसे ही डैमियो पेड़ के नीचे से निकला तो उसने उसी आदमी की तरह, पुराने अपने पड़ोसी की तरह, और मुट्ठी भर के ऐश, उसने तो एक चुटकी डाली थी, इसने क्या किया एक मुट्ठी भर के ऐश ली
और पेड़ से ऊपर फेंक दिया। आप देख रहे हैं कि उसने कितनी सारी राख फेंकी, और वो दुष्ट था और उसके संग चमत्कार नहीं हुआ। क्या हुआ? और वो राख ने पेड़ को तो बदला नहीं, उल्टा क्या हुआ, पूरी राख हवा के संग उड़कर क्या हुआ, डैमियो के उसके और उसकी वाइफ के आंख कान नाक में घुस गई। When the daimyo himself was directly under him, he threw a handful of ashes, mutthi bhar ash berry over the tree, which did not change a particle. Particle माने एक कण, एक कण, एक bit भी change नहीं हुआ. Instead, the wind blew the fine dust. उल्टा हवा चलने लगी और उसने उस fine dust को, उस राख को क्या हुआ? ये देखो, daimyo की eyes में, nose में, उसकी और उसकी पत्नी की आँख नाक में घुस गई. तो उन लोगों को कितना गुस्सा आया होगा कि तुमने राजा के ऊपर अपने वो फेंक दी राख, और वो सच स्नीजिंग एंड चोजिंग, उनको छींकें आने लगी, स्नीजिंग माने स्नीज, चोकिंग माने दम घुटने लगा उनका। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और उनका एक जो राजसी ठाट बाट था, जो उनका एक रुतबा था, वो सब स्पॉइल हो गया क्योंकि उनके ऊपर राख फेंक दी ना किसी ने, तो बहुत गुस्सा आ गए। द मैन हुज बिजनेस इज व्हाट टू क्राई गेट डाउन, अब वो जो आदमी सबसे आगे आगे चलता था ना, जो कहता था सब घुटनों के बल लेट जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, उसने सीधा गया और उसने इसको उसके कॉलर से पकड़ा, इस बूढ़े विकेट पड़ोसी को, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको पेड़ से नीचे घसीटा, एंड टम्बल हिम, टम्बल मान लड़का, एंड इट आयश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड, डिच माने गड्ढा, सड़क के किनारे गहरा गड्ढा था, उसमें लेके उसमें धक्का मारा, और फिर देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसकी खूब पिटाई की, ही लेफ्ट, इतना मारा कि वो मर गया। दस द ओल्ड मैन डाइड इन द मड, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt इन पीस एंड plenty. लेकिन जो काइंड फ्रेंड था कुत्ते का, वो शांति से, और उसके पास ढेर पैसा था, वो जीवन अपना आराम से जीने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ग्रीन ओल्ड एज, और उनकी दोनों पत्नी ग्रीन ओल्ड एज माने हेल्दी, हेल्दी ओल्ड एज, और बहुत लंबी उन्होंने जीवन हेल्दी रूप से जिया। तो आपने देखा बच्चों कि अच्छा का बुरा हमेशा अच्छा होता है और बुरे का बुरा हमेशा होता है। तो आप होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसके वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।